we doing this all what if? Main concern क्या है हमारा what if करने का? बैलेंस, बॉडी स्ट्रेंथ, उन सब चीजों के अलावा एक मार्शल आर्टिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है व्हेन दे फाइट या व्हेन दे सी द स्टैंड वेयर यू स्टैंड द ग्रिपिंग टू इन द फ्लोर दैट्स वेरी हम लोग जिस जमीन पे खड़े हैं जिस एक्शन पे खड़े हैं तो हमारा जो जमीन से जो ग्रिपिंग है द ग्रिपिंग विद द फ्लोर दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अ मार्शल आर्ट समझ में आया राइट सो इन द थिंग इज दैट दी अभी अभी जैसे क्या नाम है बेटा आपका वर्षा अभी क्या है वर्षा और मेरी फाइट हो रही है अगर मैं वर्षा को धक्का दूं तो वर्षा गिर जाएगी राइट अगर वर्षा मुझे धक्का देगी तो वर्षा मुझे धक्का दो मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ प्रिवेंट करने के लिए और जोर से धक्का दो और जोर से धक्का दो पूरी ताकत लगा के धक्का दो हाँ पूरी ताकत लगा के धक्का दो पूरी हाँ तो ये जो ग्रिपिंग है अब वर्षा को मैं धक्का दूंगा वर्षा अब ग्रिप करने की कोशिश कर रहा है हिलना नहीं यहाँ से हिलना नहीं यार ग्रिप करो ग्रिप ग्रिप ये जो ग्रिपिंग है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर समझ में आया तो ये जितने भी हम लोग जो एनिमल पोस्चर्स जो कर रहे हैं इसका बेसिक ये है कि हमारी जो स्टैंडिंग है ये जो ग्रिपिंग है ये अच्छा आना है दिस शुड बी गुड स्टैंडिंग पोस्चर दैट पावर यू नो गोइंग बैक एंड क्विकली गोइंग ये जो ग्रिपिंग हमारी फ्लोर से जो हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है क्लियर समझ में आ रहा है तो गजबड़ी में अभी एक बार बैठो आप बैठो बेटा आप सिर्फ आप गजबड़ी पे बैठो हां सिट ऑन गजबड़ी अब इसमें हील्स देखो हील्स करे क्या बोला था हील्स इधर रखो बैठो इस तरीके से पूरा बैठो एगोसी ना करो ठीक है अब इसमें आपको एक चीज पता है कि भैया मेरे को ये हील्स आउट रखने हैं ये पैर बाहर होने चाहिए ये सीधा होना चाहिए स्पाइरल सीधा होना चाहिए ये आपको पता है इसके साथ अब आपको क्या करना है आपको इसके साथ आपको ग्रिप भी करना है ग्रिप आ रहा है दोबारा बैठो ये अब ये जो स्ट्रेंथ है ये भी आना है ये आ रहा है इसको अगर ऊपर कोई छट के खड़ा भी होगा तो उसे बैलेंस करना है बैठो जल्दी बैठो पूरी ताकत ये भी पूरा ये ग्रिपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है